ओके जी, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर चैनल, जहां पर आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपना एक अलग चैनल चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग आज के अपने सेशन की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और उससे पहले आप सबको बताना है आई एम ऑडिबल, विजिबल और नॉट। थैंक यू सो मच सर्वेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके जी, थैंक यू सो मच सर्वेश जी क्लियर करने के लिए। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। पिंकी, विशाली, सूरज, बबीता, केसर, तौयव, रुचि, लक्ष्मी, पावर ऑफ यूथ, जवर, विजय, सर्वेश, राधा, अमित, ममता, दिव्या, प्रमोद, अनुराधा, बबीता, विजय, प्रवेश, अजीत, सविता, अनीता, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। छाया, शालू, सनु, सूरज, लक्ष्मी, स्वदेश, वेरी नाइस। ठीक है जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी और मैक्सिमम, ठीक है जी, आपको पीडीएफ नहीं मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या इश्यू है, आपको पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैंने अपने हैंड से पीडीएफ आपको भेजे हैं। ठीक है, और देखिए गाइज, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, कल मुझे आपकी पेंटिंग्स नहीं मिली हैं और शायद हो सकता है आज भी मुझे आपकी पेंटिंग अगर आएंगी तो शाम तक आएंगी। रीजन इज दिस कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्क जो है वो ऑफिस में चल रहा है और इसी वजह से हो भी सकता है कि आपको जो पीडीएफ हैं मैंने तो भेज दिए हैं, आपको अभी तक ना मिले हों। ठीक है, कुछ जो है कल मीट बैक टू बैक काफी सारी मीटिंग्स थी और कुछ टेक्निकल जो वर्क है वो किया जा रहा है, मेन हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पर, दैट्स व्हाई हो सकता है कि आपको ये सब चीजें आप तक प्रोवाइड ना अभी तक नहीं पहुंच पाई हो। ठीक है जी, तो होप सो आज शाम तक सारा सब कुछ सही हो जाएगा, तो उसके बाद कल से आपको शायद मिल जाए। ठीक है जी, ठीक है, तो ओके, उसके बाद आज के सेशन की बात करेंगे हम लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की बात करेंगे तो आज का सेशन हमारा डिटेल सेशन है, आप सबको पता है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे जो समकालीन कलाकारों की जर्नी है ये आज आ गई है जोगेन चौधरी तक, यानी कि आज हम पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, पेरिस, दिल्ली, हर जगह घूमने वाले हैं। ठीक है जी, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये जर्नी हमारी हमें पूरे भारत भ्रमण के साथ विदेशों में भी लेके जाएंगे, मुख्य रूप से फ्रांस, पेरिस। ठीक है जी, तो करेंगे कि आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ऐप सभी को डाउनलोड कर ही लेना है। ठीक है, और मे भी शायद कल तक आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से, कोई अब डिले नहीं होगा। बात करेंगे जोगेन चौधरी की, और जोगेन चौधरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप उस कलाकार को देख पाएंगे जो क्या है, जो हमारे समकालीन कलाकार हैं, और ये वो कलाकार है जिन्होंने अपनी एक अलग सी शैली, ठीक है, अपनी एक अलग शैली शैली इनके पीछे आप देख भी पाएंगे, जो इनके चित्र हैं, ठीक है, जो इनके पेंटिंग्स हैं। और हम क्यों बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक अलग सी शैली बनाई थी, मुख्य रूप से कब, अगर इनकी इनोवेशन की बात करेंगे तो ये जो इन्होंने अपनी एक अलग सिंबॉलिक शैली बनाई थी, जब ये विदेशों से भी अपनी पढ़ाई खत्म करके, यानी कला की शिक्षा कंप्लीट करके भारत जब वापस आते हैं, उसके बाद ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं एक शैली पर, और वो शैली आपके सामने है, बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स आपको इनके पीछे दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, और ये कहीं ना कहीं क्या है, जो इनकी रूट्स थी वहां से ये अटैच है, और वो है कैसे, वो कहानी अब आगे हम लोग जारी रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जोगेन चौधरी। अभी तक हम लोग जितने भी कलाकारों के बारे में बात कर रहे थे, हमने देखा 19वीं शताब्दी, उसके बाद आगे हम 20वीं शताब्दी पर। आज जिस चित्रकार की हम लोग बात करने वाले हैं ये क्या है, 21वीं शताब्दी के भारत के प्रमुख जो हमारे समकालीन कलाकार हैं, मुख्य रूप से चित्रकार, ठीक है जी, उन्हीं में ये आते हैं। कौन है, जोगेन चौधरी, प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से भारतीय चित्रकार हैं, समकालीन भारतीय चित्रकार हैं, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और इसके साथ क्या है जी, एक अच्छे राजनेता भी हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक आर्टिस्ट को देखेंगे, और आर्टिस्ट के रूप में देखिए हमने बात की है चित्रकला की, लेकिन इन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई थी, लेकिन प्रमुख रूप से चित्रकार हैं।
इसके साथ ही बहुत अच्छे राइटर हैं और एक बहुत अच्छे क्या है पॉलिटिशियन भी हैं। तो आज हमें एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनके हमें तीन फेस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इनकी पेंटिंग्स की, ठीक है जी, ये तो होगी क्या है, हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनकी पेंटिंग्स की। जब हम बात करेंगे तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि ये प्रकृति और मनुष्य के चितेरे हैं। याद रखेंगे, प्रकृति और मनुष्य का चितेरा किसे कहा जाता है, जोगेन चौधरी को कहा जाता है। रीजन क्या है, श्री श्री 1008 वाला प्रश्न है, स्टार लग गया है जी, आपको पता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, इनका कहना था कि प्रकृति और मनुष्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि हम प्रकृति के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते और मनुष्य के बिना हम लोग प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, इन्होंने जो अपनी मैक्सिमम पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें ये जो रिलेशनशिप है मनुष्य और प्रकृति के बीच में वो हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इनको प्रकृति और मनुष्य का चितेरा कहा जाता है। बात करेंगे भाई इन्होंने काम कहाँ पर किया है, तो वैसे तो अगर इनका हम वर्क प्लेस देखते हैं तो ज्यादातर वो क्या रहा है, दिल्ली रहा है। याद रखेंगे आप लोग, क्या रहा है, दिल्ली रहा है। लेकिन शांति निकेतन में भी इन्होंने कुछ काम किए थे, वहां पर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है कुछ एक, और उसके बाद जो है वहां पर भी इन्होंने कुछ एक कार्य किए हैं। मुख्य रूप से याद रखेंगे दिल्ली इनका कार्य क्षेत्र रहा है। और जब हम बात करेंगे ना शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन में जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई आपने कहीं से एजुकेशन लिया, कहीं पे आपके फ्रेंड्स हैं, आप किसी जगह के साथ जो है, चाहे आप वहां पर आपका कार्यक्षेत्र ना रहा हो, लेकिन उसके बाद भी आप जो है वहां से एक रूप से जो है अटैच हैं। यानी कि अगर हम बात करें वहां पर जो समकालीन कलाकारों की हम लोग बात करेंगे, जो आगे आने वाला हमारा यूथ है या इस समय जो बच्चे वहां पर चित्रण कार्य कर रहे हैं हम लोगों से 8-10 साल 15 साल पहले, ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट्स की जब हम बात करेंगे, कला के छात्रों की बात करेंगे, तो उन्हीं से किन से, जोगेन चौधरी से ये स्टूडेंट सारे के सारे बहुत प्रेरित रहे हैं। रीजन क्या है, आज के समय की अगर हम बात करें, हम लोग बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर ली, बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे थे, हम लोग सोच नहीं पाते कि भाई उनके जैसा है ना, एक कल्पना में सोच सकते हैं कि क्या हमारी राइटिंग स्किल्स वैसे ही हम उनके जैसे बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एक एज फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि वो क्या है जी, हमारे पिताजी के समय के, हमारे दादाजी के समय के, तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर हमें क्या है, एक जनरेशन गैप देखने को मिलता है। और जब भी याद रखेंगे, चाहे वो कला का विषय हो, चाहे हमारा आम जीवन हो, जब भी एक जनरेशन गैप आता है तो वहां पर क्या है, आपकी मेंटेलिटी में थोड़ी बहुत क्या है चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारे पिता सोचते हैं हम वैसे नहीं सोचते, हो सकता है हम उनसे थोड़ा अलग सोचते हो, ये एक अलग चीज है कि हम सबका सम्मान करते हैं और उनकी बातें जरूर सुनते हैं। लेकिन जब हम अपनी हॉबीज की बात करेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ठीक है, सर्वेश यादव हम बात कर लेंगे, सर्वेश और विजय हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपके और आपके पिताजी के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आप दोनों फ्रेंड्स हैं सर्वेश और विजय, आप दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से ज्यादा मैच करेंगे। क्यों, रीजन ये है क्योंकि आप क्या है एक आप एक एज जो गैप है आप लोगों में वो नहीं है, और आप लोग जो है एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है, एक ही जनरेशन के हैं, आपका माइंड सेटअप एक जैसा है, आप कुछ हद तक एक जैसी चीजें सोचते हैं। तो इसीलिए ये जो जो हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या अपने जैसे, यानी कि मैं कुछ बनाना चाहती हूँ तो मेरे जो जनरेशन के और कलाकार होंगे मैं उनके जैसा सोचूंगी, क्योंकि हमारे बीच जो है जनरेशन गैप नहीं है, हमारे इस समय पे समकालीन जो चीजें हो रही हैं हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट करते हैं। और यही रीजन है कि जब हम समकालीन कलाकारों की बात करते हैं तो भाई हम लोग कहते हैं कि हमारे रोल मॉडल हैं। मैंने कहा कि जब मैं छोटी थी मैंने डॉक्टर सॉरी मैंने सरदार शोभा सिंह की जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादा देखी है और मैं वहां से इंस्पायर हुई। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो कोई कार्य कर रहा होगा, कुछ नए हमें जो है सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मैं अब बात करूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जुहेब की पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, हमें कुछ इस समय के जो नए टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक्स हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, जब हम बात करते हैं एक नवीनीकरण की वो आपकी शैली में आता है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करते हैं जोगेन चौधरी, जिन्होंने 21वीं शताब्दी के चाहे शांति निकेतन के कलाकार हों, जो हमारे अपकमिंग कलाकार हैं, चाहे अन्य कलाकार हों कलकत्ता के, मुख्य रूप से उनको इन्होंने क्या है बहुत इंस्पायर किया है, और दिल्ली के कलाकार भी जो इनसे संबंधित रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई कि जब भी हम कलाकारों के बारे में विषय में बात करते हैं तो हमने देखा है कि ये जो एक दूसरे का प्रभाव है ये इनको कैसे जो है प्रभावित करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है सेम इंटरेस्ट की भी बात हो जाती है जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग विजय, ठीक है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आज अभी हम बात करें, क्या आप अपने बच्चों के पीछे ऐसे भाग पाएंगे? नहीं जी, उनको पहले स्कूल में सिखा दिया जाता है कि देखो बिल्कुल 100 नंबर पे फोन करना है, और चाइल्ड जो एक वो है ना हेल्प सेंटर है, ठीक है, आई थिंक उसका नंबर भी कुछ ऐसा ही है, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये प्ले स्कूल्स में ही बच्चों को बता दिया जाता है कि देखिए कोई ऐसी बात होगी ना तो इस नंबर पे फोन मिलाना है, और बच्चों को बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स ने भी अगर कुछ इस तरीके की चीज करते हैं तो आप जो है पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। और ये फैक्ट है, अभी का जो ट्रेंड है ना प्ले स्कूल्स में बताया जाता है, अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति हमारी थोड़ी सी अलग है, लेकिन फॉरेन में तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि वहां पर आए दिन कोई ना कोई जो पेरेंट्स है उनकी कंप्लेंट हो जाती है। बच्चे अगर खुद नहीं करते तो पड़ोसी कर देते हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसी को हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप, ठीक है। और हम लोगों का जो समय है वो बहुत अलग था, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने जनरेशन गैप की बात की, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बात करेंगे कि हम इनकी जो शिक्षा इन्होंने भारत से ली, मुख्य रूप से कलकत्ता कला महाविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी, उसके बाद ये पेरिस भी जाते हैं। लेकिन देखिए, पेरिस जाने से पहले इन्होंने भारत में जॉब भी की है, दो जगह इन्होंने जॉब की थी। उसके बाद इन्होंने फ्रांस में अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और वो स्कॉलरशिप मिल जाती है इनको आई थिंक 1965 में, ठीक है, अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। 1965 में इनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, और उसके बाद ये पेरिस चले जाते हैं। 2 साल की इनकी स्कॉलरशिप थी, 2 ईयर्स के लिए ये क्या करते हैं, आर्ट की स्टडीज के लिए पेरिस चले जाते हैं। जब ये वहां से वापस आएंगे तो उसके बाद ये अपनी व्यक्तिगत शैली विकसित करते हैं, यानी जब ये फॉरेन में पढ़कर आ गए तब इनको पता चल गया कि भैया देखिए हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, ठीक है, आप एजुकेशन की बात करते हैं जो भी है, लेकिन उसके बाद जो आपकी रूट्स है ना कहीं आप उनके साथ अटैच हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो आपकी रूट्स हैं, बाहर से आप कैसे भी दिखाई देंगे, आपको अंदर की बात, आपको आप अंदर से कैसे हैं वो आपको ही पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो रूट्स हैं वो इनके केस में भी हमें देखने को मिलेंगे जब वे वापस आ जाएंगे, तो अब अपनी एक अलग से व्यक्तिगत शैली ये विकसित करेंगे। और मुख्य रूप से इनकी जब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे, माध्यमों की बात करेंगे, हर तरीके की इनकी पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ये नहीं है कि व्यक्तिगत शैली इन्होंने अपनाई उसके बाद सारी पेंटिंग्स वैसे ही बनाई, नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, हर क्षेत्र में हर तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, हर माध्यम से देखने को मिलेंगी। लेकिन जो इनकी सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग्स रही हैं वो ज्यादातर इंक में थी, कैसी, स्याही में, वाटर पेंट्स में और पेस्टल में, ठीक है, वाटर पेंट्स में और पेस्टल में, और इसके साथ ऑयल पेंट्स को भी इन्होंने यूज किया है। लेकिन मैक्सिमम जो इनकी पेंटिंग्स जो फेमस रही हैं वो है स्याही, पानी के रंग, यानी कि वॉश सॉरी वाटर पेंट्स, और उसके साथ पेस्टल। अब आगे हम देखेंगे उसमें ये कुछ गोंद मिलाते थे, और वो कुछ अलग से तरह की, यानी कि ये जो ये पेस्टल कलर्स थे, ठीक है गाइस, ये जो पेस्टल कलर्स थे इसमें ये एक अलग किस्म की गोंद मिलाते थे जिससे जो ये रंग थे उनका प्रभाव कुछ अलग सा दिखाई देता था, ठीक है, अलग सा दिखाई देता था, और वो कुछ इस तरीके का है। ये इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है 3 महिलाएं, ठीक है। इंक और पेस्टल यहाँ पर इन्होंने यूज की है। अब यहाँ पर जो मुझे लगता है, और मैंने आपको वो पेंटिंग्स दिखाई भी हैं मुख्य रूप से जिस कला की हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आप और रिलेट करेंगे। हमने बात की कि पेरिस गए थे, फ्रांस गए थे, वहां से कला की शिक्षा लेके आए, उसके बाद इनकी अलग सी शैली हमें देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, तो यहाँ पर आपको कैसा लगेगा, जैसे हमने देखा था जो वेंजटाइन आर्ट में, ठीक है, मणिकुट्टम की जब हम बात करते हैं, जहां पर छोटे छोटे संगमरमर के जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं, रंग बिरंगे संगमर और कांच के टुकड़ों को क्या है कंपाइल करके पूरा भित्ति चित्र बनाया जाता था, और वहां पर हमें क्या है छोटे छोटे पार्ट्स है ना, ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते थे नन्हे नन्हे से। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये पेंटिंग उस पेंटिंग को, तो यहाँ पर आपको उसी तरीके की एक चीज नजर आएगी, ठीक है। इट्स लाइक कि ये क्या है मणिकुट्टम नहीं है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इनकी पेंटिंग्स में ये जो हल्का सा खुरदरापन है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हल्का सा खुरदरापन है ये इनकी एक ये जो अलग शैली थी, या इसी तरीके की पेंटिंग्स इनकी देखने को मिलेगी जहां पर इन्होंने पेस्टल में गोंद जो थी उसको मिलाया था, और उसके बाद से कुछ इस तरह का प्रभाव दिखाई देता था। और इसके साथ ये इंक का प्रयोग करते थे, इंक को इन्होंने यूज किया है। और अगर साथ में ध्यान देंगे, ठीक है, तो इन्होंने कई रेखा चित्र बनाए हैं, लेकिन कैसे रेखा चित्र हैं, वो इंक के साथ ये ब्रश को प्रयोग करते थे, उस तरीके के रेखा चित्र बनाए हैं वो। ज्यादातर जब हम वनस्पति की पेंटिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर हमें ये दिखाई देगा।
थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऋषि। ठीक है जी, तो क्या है, हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि मैंने आपको वो भी दिखाया था जब हम वेजिटाइन आर्ट की बात करते हैं ना, तो वो क्या है, देखिए ये होता है कि जब आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं से प्रभावित रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वेजिटाइन आर्ट से प्रभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके का जो प्रभाव है वो हमें सूक्ष्म रूप से, क्योंकि वहां पर तो वो बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें ये क्या है जी, पेपर पर इस तरीके के ये जो इफेक्ट है ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक भारतीय है जो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक अलग तरीके की शैली आपने इनकी देख ली, ठीक है, और ये क्या है, ये इनकी मौलिक शैली है। जब ये पेरिस से वापस आते हैं उसके बाद इनकी शैली में हमें इस तरीके का जो ड्रास्टिक चेंज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनकी जो मैक्सिमम पेंटिंग है वो आपको इसी तरीके की दिखाई देने वाली है। इसके साथ थोड़ी सी जो इनकी पेंटिंग्स है उनके बारे में एक वर्ड यूज किया गया है, और वो वर्ड है बीभत्स। ठीक है, यानी कि जो भौड़ी सी आकृतियां होती है ना मुख्य रूप से उस तरीके की, उनको भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले भी इनके प्रारंभिक जीवन की, इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 फेब 1939 को पूर्वी बंगाल में यानी कि बांग्लादेश में, मुख्य रूप से फरीदपुर जिला था, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम है देहरपारा। क्या है, गांव का नाम है देहरपारा। और इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो इन्होंने अपने गांव में ही व्यतीत किया था, तो गांव के परिवेश जो है वो हमें इनकी पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेगा। जो गांव की हरियाली है, जो वनस्पति है, इंस्पिरेशन है वो इनको वहां से मिली थी, जो इनकी पेंटिंग्स में भी हमें देखने को मिलेगा। इनके पिता की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम था प्रमथनाथ चौधरी। ठीक है जी, प्रमथनाथ चौधरी एक ही ब्राह्मण जमींदार थे। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इनकी लाइफ जो है आगे कैसे चेंज होगी वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। इनके पिता जो प्रमथनाथ चौधरी थे, क्या है, ये ब्राह्मण जमींदार थे, और जमींदार क्या है आपको पता है, जिनके पास काफी लंबी चौड़ी खेती है। ठीक है, पैसे की कमी नहीं है क्योंकि खेती है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है जी, फसलों को बेचा जा रहा है और वहीं से क्या है आपकी थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत नहीं कह सकती, अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। इन्हें जमींदार फैमिली है, वेल सेटल्ड फैमिली है। कला की अगर इनकी शिक्षा की बात करें, कला की इंटरेस्ट की बात करें, तो वो इनको इनके माता पिता दोनों से मिला है, दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। इनके पिता प्रमरनाथ चौधरी जो है, ठीक है जी, ये एक बड़े ही फैमिली मैन थे। बात करेंगे ना फैमिली मैन की, भाई सबसे जो है ज्यादा अपनी अपना जो परिवार है वो प्यारा है, परिवार में भी चाचा ताया, जब हम ज्वाइंट फैमिलीज की बात करते हैं इट्स लाइक दैट, वैसे इनकी फैमिली थी। तो इनके पिता भी बिल्कुल वैसे ही थे, और क्या है, थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी कि जब हम बात करेंगे आर्टिस्ट हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, हिंदू पौराणिक घटनाएं जो है उनमें ये बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। इन्होंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई थी, इनके पिता ने, प्रमथनाथ चौधरी जो है उन्होंने, जो हमारे भारतीय देवी देवता है उनकी काफी सारी ये पेंटिंग्स बनाते थे, और इसके साथ साथ उनकी मूर्तियां भी बनाते थे, यानी कि बहुत अच्छे पेंटर हैं, साथ में क्या है मूर्तियां भी बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम उस समय की बात करें, भाई उस समय पे नेटफ्लिक्स तो था नहीं, मोबाइल भी नहीं था, जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो उस समय पर गांव में क्या होता था, मूवी थिएटर्स बहुत कम होते थे। हमने देखा है कि उस समय पर जो अच्छे, जैसे कुछ गांव के कुछ बड़े बड़े जहां गांव होते थे वहां पर क्या होता था, अगर हम यूपी और बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर नौटंकी भी होती थी, है ना, और अगर हम ऐसे बात करेंगे तो थिएटर्स होते थे पहले, थिएटर्स अब तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन पहले थिएटर्स होते थे जहां पर हम देखते हैं कि जी पौराणिक की घटनाओं को ज्यादा जो है उनकी ही जो पात्र हैं वो हमें स्टेज पर दिखाई देते थे, प्ले करते थे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये क्या था, ये बड़े अच्छे वो दिन थे जब कम से कम आप इंटरटेनमेंट के बहाने एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी की जो इनके पिताजी हैं, जब ये लोग थिएटर देखने जाते थे और वहां पर जो पौराणिक कई, अगर हम बात करेंगे ऐसे करेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए बात करेंगे जी राम लक्ष्मण है ना, जैसे हमने बात की कि फैमिली मैन थे, राम लक्ष्मण है, भरत है, सीता माता है, माता दुर्गा है, या और भी कई बात करेंगे, जैसे जो भी प्ले होते थे उनको ये क्या करते थे, उन करेक्टर्स को ये अपने कैनवस पर, कैनवस नहीं कह सकते, अपने पेपर पर उतारते थे, यानी कि वो जो वहां पर ड्रामा या जो वहां पे थिएटर में जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे, उन क्या है वो जो होली करेक्टर्स थे उनको ये क्या करते थे, अपने पेपर्स पर उतारते थे। कौन, इनके पिता। तब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब पिता ही इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और क्या है एक जी वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि सामने प्ले जो है वो चल रहा है और उनके करेक्टर्स को, उन सब चीजों को ये क्या करते थे, अपने पेपर पर उतार लेते थे, और इसी के साथ मूर्तियों को भी तराशते थे, तो बहुत अच्छे चित्रकार हैं और बहुत अच्छे मूर्तिकार भी हैं। ये तो होगी पिता की बात। अब बात करेंगे इनकी माता की, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इनकी माता, जोगेन चौधरी की जो माता है ये अल्पना विशेषज्ञ थी। ठीक है, अल्पना आपको पता है पश्चिम बंगाल में जो रंगोली है उसको अल्पना कहा जाता है, और मुख्य रूप से वहां की रंगोली जो है चावल का जो पेस्ट होता था उनको पीसकर बनाई जाती थी सफेद रंग से। और हमें पता है अल्पना क्या है, इट्स लाइक जैसे आलेखन है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर इसमें चित्र बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से हम जो द्वारों पर बनाई जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर जो है चित्र आलेखन के तरीके से वो पूरा का पूरा जो है सजाती थी, बहुत ही अच्छा आलेखन बनाती थी, अल्पना बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो अपनी माता से भी इंस्पायर थे, क्यों? क्योंकि इस जो अल्पना की हम बात कर रहे हैं, बाद में आगे चलकर जोगेन चौधरी जो इंक से, इंक और साथ में ब्रश को यूज करके जो रेखा चित्र बनाएंगे, ठीक है जी, वो आपको याद दिलाएंगे रेखांकन की, और किसकी? अल्पना की, जो इन्होंने किससे देखी है? अपनी माता से। इन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई हैं, इंस्पायर्ड किससे हैं? अपने पिता से। इन्होंने चित्र भी बनाए हैं, इनके पिता बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और इनकी जो एक और इसके साथ एक अलग शैली जो इनके रेखा चित्र हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने मनुष्य और प्रकृति को दिखाया है। ठीक है जी, ये कहां से इंस्पायर थे? ये अपनी माता से इंस्पायर है जी, जो इनकी माता ये अल्पना और रेखा चित्र बनाती थी ना, उनसे इंस्पायर है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, खासकर जो उनका प्रारंभिक जीवन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है इनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी। और ये आप लोगों के लिए भी सीख है, हमारे क्लास में बहुत सारे माता पिता हैं, तो क्या है, मैं भी हूँ, ठीक है, और ये हम लोग भी थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को भाई बहुत कायदे से लेके चलना है। ठीक है जी, बहुत कायदे से लेके चलना है गाइस। एक मिनट गाइस, 1 मिनट, इट्स एमरजेंसी। हेलो, यस मैम, सॉरी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है जी, ओके, सॉरी गाइस, सॉरी, अभी कुछ इमरजेंसी थी, दैट्स व्हाई मुझे ये कॉल पिक करनी पड़ी, सॉरी। ठीक है जी, तो चलिए वापस आते हैं। अब आपको पता चल गया, जब हम इनके रेखा चित्रों की बात करेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है, तो वो उसको भी आपको थोड़ा सा वो भी आपको दिखाई देगा इनकी पेंटिंग्स में, जो हम बात कर रहे हैं कि इनकी माता जो बड़ी अच्छी अल्पना बनाती थी, ठीक है, उनका प्रभाव इनके ऊपर कैसा रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ती है, भाई इनका पालन पोषण गाँव में ही हुआ है, गाँव की संस्कृति माहौल को इन्होंने बहुत अच्छे से देखा था, कहीं ना कहीं ये चीजें इनके साथ जो है लाइफ टाइम आगे रहती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, लाइफ में चेंज आता है। अब वो चेंज क्या आएगा, हमने बात की थी कि इनके पिता क्या है जी, इनके पिता यानी कि जो इनकी फैमिली है जमींदार फैमिली है ना, कला का जो है वो एक कार्य चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो है खेती बाड़ी बहुत है, जमींदार है, तो किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। अब बात करेंगे, अब समय आता है 1947 का। ठीक है जी, 1947 यानी कि विभाजन की बात करेंगे, जिससे जोगेन चौधरी ये भी अछूते नहीं रहे। विभाजन के समय पर 1947 में ही जोगेन चौधरी के माता पिता अपने दो बेटे थे इनको लेकर आ जाते हैं कलकत्ता। कहां पर? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कैसी थी। तो ये क्या हुआ, ये पहले ही कहां पर आ गए जी, कलकत्ता में आ गए, कलकत्ता में आके रहने लगे। लेकिन हमने बात की थी कि ये फैमिली मैन है, यानी कि परिवार में जो इनके और चाचा ताए हैं उन सबको भी 1948 में ही कलकत्ता बुला लेते हैं। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक जमींदार परिवार जिनकी बहुत सारी जमीन है, ठीक है, उन सबको वो वहीं पर छोड़कर अब कहाँ पर आ गए हैं जी, कलकत्ता में आ गए हैं। क्योंकि जो जिस क्षेत्र में ये रहते थे वो तो विभाजन के बाद कहाँ पर चला गया जी, उस वाले पोर्शन में चला गया है, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो अब इनके साथ क्या हो गया कि कलकत्ता आ जाएंगे, और प्रारंभ में अब आपको पता है यहाँ पर ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं निर्वासित कह सकते हैं, ठीक है जी,
कि भाई अपना सब कुछ छोड़ के आ गए हैं और यहाँ पर कलकत्ता में आकर करेंगे क्या। पहले तो ये लोग अपने रिलेटिव हैं एक, उनके मकान में रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय पर के बाद ये रेंट पे रहते हैं और फिर का कुछ सालों के बाद ये अपना मकान ले पाते हैं, यानी कि कई सालों के बाद अब इनकी लाइफ दोबारा पटरी पर आ पाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई फैमिली मैन थे, अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है एक कलाकार की। कैसे, जब ये कलकत्ता आते हैं तो ये क्या करते थे, जिनके जो इनके वो एक कोई चाचा थे जिनके मकान में ये रह रहे थे जब फर्स्ट टाइम आए थे, तो उन्हीं के ही कहा जाता है कि उनका जो घर था उसकी जो आंगन की बाउंड्री वॉल्स थी, ठीक है, उसी पर ये कुछ पेंटिंग्स बनाना आरंभ कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके वो रिलेटिव्स हैं वो भी देखते हैं और वो इनके पिता को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे की जो एजुकेशन है कलकत्ता कला महाविद्यालय से आरंभ कराइए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा तो उनकी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद हमें कौन सा दौर देखने को मिलेगा, यानी कि वो दौर देखने को मिलेगा जब इनकी कला की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। रीजन क्या था, जो इन्होंने वॉल पर पेंटिंग बनाई थी, कहा जाता है इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर मोरों की आकृतियां बनाई थी वॉल पर, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उनकी पूरी बाउंड्री वॉल को उन्होंने कई सारी जो ग्रामीण विषय होते हैं, ठीक है, ग्रामीण जीवन के जो विषय होते हैं वो इन्होंने उन दीवारों पर बना दिए थे, जिससे उनके जो रिलेटिव थे वो भी काफी इंस्पायर हुए और बाकी अन्य जो माता पिता तो भाई पहले से आर्टिस्ट हैं तो वो तो चाहते थे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे जब हम इंक की बात करेंगे और ब्रश की बात करेंगे, ठीक है, ये उनके बिल्कुल वो प्रारंभिक कुछ चित्र हैं, ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं कि जी थोड़ी सी आकृतियां दिखाई देंगी और कुछ आलेखन के तरीके की आकृतियां हमें दिखाई देंगी, मुख्य रूप से ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके की आकृतियां उन्होंने बनाई। उसके बाद और भी जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो वो कुछ अन्य तरह की आकृतियां हैं वो जो हमें आगे देखने को मिलेंगी। कहानी आगे बढ़ती है 1955 में, ठीक है जी, 1955 में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में इनकी एडमिशन करा दी जाती है और यहाँ पर 5 साल के लिए ये विधिवत रूप से अपनी स्नातक कंप्लीट करते हैं ललित कला में। ठीक है जी, ललित कला में अपनी स्नातक ये यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब कहानी देखिएगा, 1960 में ये यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद 1960 से 1965 इस बीच में, यानी इन 5 सालों में ये दो जगह जॉब करेंगे। ठीक है जी, दो जगह पर ये जॉब करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्या है इनकी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करेंगे। अब वापस आते हैं इनकी शिक्षा पर, ठीक है जी, तो 1960 से 1965, क्योंकि 65 में इनको क्या है स्कॉलरशिप मिल जाती है, इन्होंने फ्रांस में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जो इनकी क्या है ये स्कॉलरशिप इनको सक्सेसफुली मिल जाती है और उसके बाद 2 साल की स्कॉलरशिप पे ये कहाँ चले जाएंगे जी, ये पेरिस चले जाएंगे और यहाँ पर फ्रांस पेरिस में यहाँ पर इकोले डेस ब्रिक्स आर्ट्स कॉलेज में ये अध्ययन करेंगे अगले 2 साल तक। ठीक है, अगले 2 साल तक, और ठीक 2 साल के बाद यानी कि जब 1967 में ये यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये 5 महीने के लिए लंदन जाते हैं। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए लंदन जाते हैं और वहां पर जाकर भी कला का कुछ ना कुछ अध्ययन जो है, यानी वहां पर जाके विजिट करते हैं, देखते हैं और उसके बाद टेक्निक्स को वहां पर जाके कुछ सीखते हैं, कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं वहां पर जाकर, लेकिन क्या है अध्ययन करके ही, ठीक है, ये सीखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बात की, अब यहाँ पर 1965 में चले जाएंगे, 67 और 68 में ये वापस आते हैं मुख्य रूप से, उसके बाद इनकी कला में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी। अब बात करेंगे 1967, ठीक है जी, 1967 में इकोले नेशनल सुपीरियर डेस ब्रिक्स आर्ट जो कॉलेज था यहाँ से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, कब, 1967 में, और इसके बाद हमने बात की कि 5 महीने के लिए कहाँ जाते हैं जी, लंदन जाते हैं। चलिए, अब ये तो होगी इनकी पूरी शिक्षा की बात जो एक साथ आपने देख ली। अब बात करेंगे कि भाई इन्होंने कार्य कौन कौन से किए थे, ठीक है, तो क्या है कहानी थोड़ी सी और पीछे ले जाएंगे क्योंकि हम क्या है एक एक पोर्शन को अलग अलग देख रहे हैं ताकि चीजें मिक्स ना हो। एक तरह पूरी एजुकेशन देख ली, पूरी कहानी कैसे आगे चली, अब बात करेंगे इनके कार्यों की, जो सर्विसेज या जॉब्स इन्होंने की है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हावड़ा में, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हावड़ा में ही एक जॉब ज्वाइन की थी एज अ आर्ट टीचर, एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में एज अ आर्ट टीचर इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद यहाँ पर 2 वर्ष पढ़ाने के बाद, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी 1960 में ही, ठीक है जी, 1960 में ही जैसे ही इनकी एजुकेशन कहाँ से, कलकत्ता कला महाविद्यालय से पूरी होती है वैसे ही ये जॉब ज्वाइन कर लेंगे और क्या है
अगले 2 साल तक यहाँ पर जॉब करेंगे हावड़ा में एक आर्ट टीचर के रूप में। अब ठीक 2 साल के बाद 1962 में ये हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिजाइनर की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये कब करेंगे? ये करेंगे जी 1965 तक, जब तक कि इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती है, यानी कि ये फ्री बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, अपनी कला की शिक्षा भी ले रहे हैं, और जब इनको क्या है साथ में अपना जो एक अर्निंग है वो भी इनकी चलती जा रही है, बैठे नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोफेशनली करते रहे। ठीक है जी, अब आगे की कहानी हमें पता है। 1965 में चले जाएंगे पेरिस, और क्या है जी 1968 में फिर ये वापस आएंगे, क्योंकि बीच में 5 महीने कहाँ रहते हैं जी, लंदन में रहते हैं। तो 1968 की बात करेंगे अब। ठीक है, अब ये भारत वापिस आ गए। भारत वापिस आके इन्होंने क्या किया, पेंटिंग्स तो बनती ही जा रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई क्या है स्टॉप नहीं लगाया इन्होंने। अब यहाँ पर एक नई शैली इनकी हमें देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही जब ये वापस आते हैं तो दोबारा से कहीं पर हैंडलूम बोर्ड, जहां से इन्होंने जॉब छोड़ी थी यहाँ पर, लेकिन अब क्या है, अब चेन्नई में है। चेन्नई हैंडलूम बोर्ड में ये एक क्या है, एक जो कपड़ा क्लॉथ डिजाइनर होता है वो जॉब ये ज्वाइन कर लेते हैं, और 2 साल तक। ठीक है जी, 2 साल तक के आगे हमें और देखने को मिलेगा भी, यहाँ पर ये जॉब करते हैं। और उसके बाद 1970 में, कब 1970 में, कलकत्ता पेंटर्स ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। कब? 1970 में। इनसे संबंधित जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे, तो इनसे रिलेटेड दो ग्रुप हैं, याद रखेंगे, एक जो इन्होंने ज्वाइन किया था और एक जो इन्होंने अपने आप से जिसकी स्थापना की थी, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे जो ग्रुप इन्होंने पहले अपने आप ज्वाइन किया था 1970 में, वो क्या है, कलकत्ता पेंटर्स ग्रुप। इसमें जाके क्या है, ये इसके मेंबर बन जाते हैं। और इसी समय पर ये क्या है, हमने बात की कि एक चित्रकार होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और आपको पता है हमारे जितने भी चित्रकार हैं जब उन्होंने कुछ राइटिंग में भी काम किया है तो वापस जरूर पूछा जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन्होंने अपनी जो ये कविताएं लिखती थी उनको कंपाइल करके एक बुक की रचना की, मुख्य रूप से वो संग्रह था इनकी पोइट्री का। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया था हृदय ट्रेन बजे ओथे भी। ये किसकी है? जोगेन चौधरी की है, याद रखेंगे आप, हृदय ट्रेन बजे ओथे भी, ये इन्होंने पब्लिश की थी, और इसमें इनकी काफी सारी पोइम्स थी। ये एक पोइम, एक पोइट्री नहीं है, काफी सारी पोइट्रीज है, और उनको क्या है कंपाइल करके इन्होंने हृदय ट्रेन बजे ओथे भी ये इस नाम से इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, एज अ राइटर भी इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है। चलिए, अब बात करेंगे क्यूरेटर के रूप में भी। अब आपको पता है ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि PYQs में भी हमने देखा है कि हमारे जो चित्रकार, चाहे वो जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, और खासकर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा चित्रकार है जिन्होंने एज ए क्यूरेटर भी कार्य किया है, तो उनमें से एक जोगेन चौधरी भी है, याद रखेंगे। देखिए 1972 में ये क्या है, हमने बात की कि 1968 में वापस आए, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था कहां पर, मद्रास हैंडलूम बोर्ड में। ठीक है, अब यहां पर 72 तक क्या है जी ये कार्य करेंगे। 1972 में इनको ऑफर होती है नई जॉब, और वो नई जॉब क्या थी, एज अ क्यूरेटर थी, कि इनको राष्ट्रपति भवन की जो आर्ट गैलरी है वहां पर एज अ क्यूरेटर इनको ज्वाइन करना है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए इन्होंने मद्रास हैंडलूम बोर्ड से रिजाइन दिया, और अब ज्वाइन कहाँ पर कर लेंगे जी, अब ये इनकी जर्नी स्टार्ट होगी। मद्रास से कहाँ पर आ गए, अब ये अभी आ जाएंगे दिल्ली, यानी कि यहाँ पर एज ए क्यूरेटर ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और जब यहाँ पर आके अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 1975 में, यानी कि 93 साल के बाद, ये यहाँ पर गैलरी 26 और आर्टिस्ट फॉर्म की स्थापना करेंगे। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कुछ वो कला ग्रुप और कुछ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, और आपको पता है हर साल TGT और PGT में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि मुख्य रूप से जो कई ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कई आर्ट गैलरीज हैं, कई ग्रुप हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि भाई ये कहाँ से हैं। ठीक है, तो बात करेंगे गैलरी 26 आर्टिस्ट फॉर्म, इसकी स्थापना किसने की है, जोगिन चौधरी ने की है। ओके जी, चंद्रा, यक्षी चंद्रा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे निहारिका ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है जी। TGT 8 में जो जो, ठीक है जी, ये भी देखते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जो यक्षी वाली जो प्रतिमाएं हैं ज्यादातर जो हमें मिली है ना, ठीक है, हमने देखे अलग अलग जगह से मिली है, एक जगह पर नहीं है। ठीक है, अब उसमें मुझे देखना पड़ेगा आप कौन सी बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, अब होगा क्या, क्लास इंटरप्ट होगी बीच में। जी। चलिए, तो क्या है, हमने देखा है जी, वो हमने देखी है मथुरा से भी प्राप्त हुई है, पटना से भी प्राप्त हुई है ना, दो तीन जगह से है, मथुरा से भी है, पटना से भी है, एक दो जगह से और से है, और नाम सबके कॉमन कॉमन है। चलिए ठीक है, देखिए गाइस, धक्का मुक्की नहीं करने का, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से पढ़िए, क्योंकि इतनी फुल डिटेल क्लास आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और कोशिश क्या करेंगे, जिसको जिसके कमेंट से प्रॉब्लम है भाई, वो क्या करेंगे, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, जिनको आपको प्रॉब्लम है दूसरे बंदे से, ठीक है, तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, आपको उनके कमेंट्स से इशू होंगे, शांति से पढ़िए। ठीक है, वहां पर इट्स लाइक कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, आप अपना कमेंट बॉक्स या तो आप बंद कर दीजिए, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं पर्सनली नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी क्वेरीज रह जाती हैं फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अब वापस आते हैं स्टडीज पर। हमने बात की कि जोगेन चौधरी ने 1975 में गैलरी 26 और आर्टिस्ट फॉर्म इसकी भी इन्होंने स्थापना की है, याद रखेंगे काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 1986 में इन्होंने बगदादवी में फेस्टिवल ऑफ आर्ट जो है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था, और यहाँ पर वर्ल्ड के हर हिस्से से कलाकारों को बुलाया गया था, मुख्य रूप से हर एक कंट्री को कुछ जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और उसमें भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, जोगेन चौधरी थे। ठीक है, जोगेन चौधरी थे, अभी तक ये पूछा नहीं गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जो पूछा जा चुका है या जो पूछा जाता है उसपे मैं ऑलरेडी स्टार लगा देती हूँ, ठीक है, यानी कि वो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी तो पूरी देखनी ही है। अब इसके बाद बात करेंगे जोगेन चौधरी कहाँ पर जी, शांति निकेतन में। अब शांति निकेतन का इनका रोल जो है जी वो बड़ा तगड़ा है, रीजन क्या है, 1987 में जोगेन चौधरी कला भवन शांति निकेतन में पेंटिंग के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति ले लेंगे। ठीक है जी, हमने सबसे पहले इनके कार्यक्षेत्रों की जब हम बात करेंगे ना, इनके कार्यक्षेत्र काफी जगह पर रहे हैं, मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है, जो इन्होंने नई दिल्ली में कार्य किया था, ठीक है, हैंडलूम में तो उन्होंने किया ही किया है, दो जगह पर हमें देखने को मिलता है, कलकत्ता है ना, और उसके बाद हमने मद्रास में भी देखा है, चेन्नई में, अभी के मत चेन्नई में। इसके साथ हमने क्या बात की कि इसके साथ जो है नई दिल्ली जब आए तो राष्ट्रपति भवन, ये आपको पता है अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, अगर वहां पर आप जाके सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वहां पर एज ए क्यूरेटर इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी। अब उसके बाद 1987 में शांति निकेतन में एज ए प्रोफेसर यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, कहाँ पर जी, कला भवन में, जो यहाँ की आर्ट विंग है। अब इसके साथ कई सारी पेंटिंग्स बना रहे हैं जी, कई सारे एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, कहीं ना कहीं कई जगह पर इनको एज जूरी मेंबर बुलाया जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आप यानी कोशिश रहती है कि भाई वो रिजल्ट लिख के दें किसकी अच्छी है किसकी नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक बालक से कहानी शुरू होके अब क्या है, खुद ये प्रोफेशनली उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, ये इनकी पूरी कला की, क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो कला के क्षेत्र की इनकी पूरी जर्नी रही है, इनके कार्यों की। अब हमने बात की थी कि भाई ये बड़े अच्छे लेखक भी हैं जी, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, इन्होंने अपनी एक मैगजीन जो है वो भी स्टार्ट की थी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं इनके राजनीतिक करियर की, तो 2014 में, ठीक है, 2014 में जोगेन चौधरी ये तृणमूल कांग्रेस से क्या है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको चुना जाता है, कहां से, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति मिलती है 2014 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति में भी इनका जो जीवन था वो काफी शाइनिंग था, यानी काफी जो है चमकने वाले सितारे थे जी। चलिए, बहुत बढ़िया, अब ये तो बात होगी इनकी प्रोफेशनल लाइफ की, अब अपने विषय पर फिर वापस आते हैं, बात करेंगे इनकी विषय वस्तु की। ठीक है जी, तो हमने बात कर ही ली है, चाहे आप बात करें कि ग्रामीण जीवन के जो विषय हैं वो इनके पेंटिंग्स में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने बात की जो अपनी माता की जो अल्पना की शिक्षा है, ठीक है, सॉरी, अल्पना का जो कार्य है उससे भी प्रभावित था, उससे संबंधित भी इनकी कुछ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, जहां पर मुख्य रूप से जो इनके रेखा चित्र हैं जो इन्होंने इंक से ब्रश से बनाए हैं। यानी कि बात करें, हमने देख ली इनकी अपनी शैली,
इनकी माता से संबंधित इनकी जो मूर्ति है वो भी हमने बात कर ली, प्रपिता से प्रभावित होकर इन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई हैं। उसमें से एक जो बड़ा फेमस है वो है हेड, ठीक है, एक सर इन्होंने बनाया है कहीं ना कहीं, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इनकी पूरी की पूरी, जब हम चाहे विषय वस्तु की बात करें चाहे शैली की बात करें, यहाँ पर हमें बड़ी विविधता देखने को मिलेगी, एक जैसा नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ बड़ी आकृतियों के साथ हमें बहुत सुंदर आकृतियां भी देखने को मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पर आपको हमें इनकी शैली में देखने को मिलता है। अब अगर इनके चित्रों में बात चित्रों की बात करेंगे इसी विषय में, तो चंद्रमा, बाघ, गणेश, नटी विनोदनी, इस तरीके के इन्होंने काफी चित्र बनाए हैं। अब ये एक आपके सामने है जो गणेश इन्होंने बनाए हैं। जब हम बात करते हैं कि इनकी शैली में हमें विविधता देखने को मिलती है, ठीक है, विविधता देखने को मिलती है, तो वो आपके सामने है। हमने बात की थी तीन बहनें हमने देखी, उनकी आकृतियां तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, लेकिन हमने बात की थी कि इनकी कैसी है, इनकी जो पेंटिंग्स है आकृतियां मुख्य रूप से बड़ी कैसी है, कुछ डिवर्स तरीके की है, यानी कि कुछ जो है आकृतियां इनकी कुछ आड़ी टेढ़ी है और ये अलग सी शैली है। और जो हमने बात की थी कि इनकी शैली जो है उसमें हमें ये कुछ जैसे खुरदरापन डॉट्स दिखाई देंगे, जो हमने वेंचटाइन आर्ट की बात की थी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है जो हम कंटेंट के थ्रू बात कर रहे थे वो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके साथ बात करेंगे इनका चित्र माध्यम, हर तरीके के माध्यम का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी पेंटिंग्स के लिए। मुख्य रूप से जो इनकी ज्यादा फेमस पेंटिंग से हमें पता है वो कैसी है, इंक से है, वाटर पेंट से है और पेस्टल से है। सारे इन्होंने कलर यूज किए हैं, चाहे आप ऑयल पेंट की बात करें, लेकिन इन्होंने स्याही और वैक्स मोम रंगों का भी प्रयोग किया है। वो कैसे बनाते थे हमने देखा है, पेस्टल में कुछ गोंद भी मिलाते थे, उन रंगों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो कैसे है जी, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे इनके चित्रों की विशेषता, कि वे विशेषता क्या है इनकी पेंटिंग्स की। सबसे पहले हमने बात की कि वे ग्रामीण जीवन के चित्र इन्होंने बहुत अधिक बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं, देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ व्यंग्यात्मक पद्धति भी देखने को मिलेंगी, कोई चीजें नहीं पसंद है, आपको पता है एक राजनीतिज्ञ है, और राजनीतिज्ञ को क्या होता है, आप दूसरे के कार्य में आपको कुछ ना कुछ कमियां जरूर दिखाई देंगी। अब इन्होंने इस तरीके के व्यंग्य के चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ हमने बात की थी कि इनको कहा जाता है प्रकृति और मनुष्य के चितेरे हैं ये, तो इनकी पेंटिंग्स में प्रकृति और मनुष्य का जो एक रिलेशनशिप है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते थे और ये बात है भी है। इसके साथ साथ इन्होंने नारी आकृतियां बहुत अधिक बनाई हैं, बहुत सुंदर सुंदर नारी आकृतियां बनाई हैं, और इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने कुछ विभत्स सुंदर सॉरी विभत्स यानी कि जो थोड़ी भौड़ी आकृतियां हैं वो भी बनाई हैं, और उसके साथ साथ सुंदर आकृतियां भी बनाई हैं। अब ये जो सारा मैंने आपको कंटेंट पर पढ़ाया, जो शायद क्या है बाउंसर्स पढ़ रहे थे समझ नहीं आए, अब वो यहाँ पर आपको समझ में आएंगे, ठीक है जी, यहाँ पर समझ में आएंगे। रीजन क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इनकी कौन सी पेंटिंग्स हैं जो इन्होंने इंक से ब्रश के माध्यम से बनाई हैं, ठीक है जी। और हमने बात की कि कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो इनकी माता के आलेखन का था या अल्पना का था वो हमें देखने को मिलेगा, जो इन्होंने अपनी एक नई शैली के रूप में बनाई, तो वो आपके सामने है। यहाँ पर जब हम इनके ये आलेखन से संबंधित पेंटिंग्स की बात करेंगे, मुख्य रूप से ये कहाँ से प्रभावित है, ये इनके आलेखन से या इनकी जो माता अल्पना के चित्र बनाती थी वहां से संबंधित है, वहां से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसके साथ इन्होंने अपना एक एक्सफैक्टर इसमें दिया है। और इन्हीं तरीके की पेंटिंग्स में यहाँ पर क्या है, मनुष्य और प्रकृति का एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो भी हमें देखने को मिलेगा, इन्होंने काफी इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, जो इनकी वो कुछ अजीब सी भौड़ी वाली जो आकृतियां हैं, ठीक है, वो टच आपको हल्का सा आड़ा टेढ़ा सा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम रंगों की बात करेंगे और इनके रेखांकन की बात करेंगे, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये बात करेंगे गणेश, देखिए गणेश की इन्होंने बहुत सारी जो है पेंटिंग्स बनाई हैं, एक हम लोग देख चुके हैं, एक आपके सामने है, और ये कौन सी है, जो विभत्स आकृतियां हैं ये उनका एग्जाम्पल है आपके सामने, जो इनकी शैली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गणेश आप देख सकते हैं, जहां पर थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी कि इन्होंने स्त्रियों के बड़े सुंदर सुंदर से चित्र बनाए हैं, और कुछ विभत्स से लेकर सुंदर भी हैं, यानी कि क्या है, अगर इनके रेखांकन की बात करेंगे इंक से ब्रश के साथ, बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी तक हम रेखांकन किसे देखते हैं,
या तो किसी ने पेन से बनाए हैं, किसी ने पेंसिल से बनाए हैं, किसी ने एक रंग से बनाए हैं, लेकिन वहां पर क्या है, रेखांकन आपको पतला दिखाई देगा। अब हम जोगेन चौधरी की बात करेंगे, तो इन्होंने इंक और मोटे ब्रश के साथ रेखांकन बनाया है और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर स्त्री जो है उनको देवी के रूप में दिखाया है, और एक क्या है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप, एक तरीके जब हमने विभत्स आकृतियों की बात की उसके बाद जो सुंदर आकृतियां हैं नारी की, ठीक है, जहां पर नारी को इन्होंने क्या है एक सिंपल नारी से एक दुर्गा के रूप में जो है ट्रांसफर किया है, और उसकी जो आकृति है वो कितनी सुंदर है, उनका जो रूप है कितना सुंदर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और क्या है, एक तरफ पेपर बोर्ड पर स्याही और ब्रश से इन्होंने बनाई है, दूसरी तरफ क्या है माँ दुर्गा जो अभिलेखीय कागज होता है उस पर इंक जेट प्रिंट से इन्होंने इसको बनाया है, तो दोनों आपके सामने है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है ये एग्जाम्पल आपके सामने है जो दोनों इनकी आकृतियां हैं, ठीक है, जो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी इनकी पेंटिंग्स की, वो दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि भाई विभत्स है, कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जिनको देख के यकी सा फील होता है, ठीक है, तो उनमें से एक ये, क्योंकि इसका टाइटल ही ऐसा है, ये है नर्क के प्रतिनिधि, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही क्या है जी, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, और ये इन्होंने कैनवस पर ऑयल से बनाया है, नर्क से प्रतिनिधि, उसको आप देख पाते हैं, ठीक है, और देख के पता चल रहा है कि इसको ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, ठीक है जी। क्या है, नर्क के प्रतिनिधि, आज इसको आप देख भी लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए, नहीं सुहाना इन सब चित्रों के लिए फेमस नहीं हुए हैं इनका, जब आप देखिए जब भी आपको ये लगे ना कि ऐसे पेंटिंग्स तो हम भी बना सकते हैं, उसी समय गूगल फीफा जी पे इनका नाम डालिए और आप इनकी पेंटिंग सर्च करिए। यहाँ पर सिर्फ कुछ चीजें मैं आपको दिखा पाती हूँ जहां से चीजें आपको समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपने यही नहीं समझना है कि इसी तरीके की पेंटिंग्स बना के जी ये फेमस हो गए, नहीं, ये इनके कुछ वो काम थे जो थोड़ा सा लीक से हटकर इन्होंने किए हैं, और आपको पता है जब भी हम इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना बाकी इनकी पेंटिंग्स की, ठीक है, तो वो बहुत ही बहुत सुंदर है, यानी इट्स लाइक जैसे आपने फोटो खींची हो, ठीक है, जो एक मेन आर्टिस्ट होता है, तो वो आप पेंटिंग्स देखेंगे कहाँ पर, गूगल फूफा जी पर देखेंगे, ठीक है। आपके समय में, आपके एज में जब हम लोग थे हमें भी यही लगता था, चीजें धीरे धीरे बाद में समझ में आती है, ठीक है, हमारे समय में गूगल फूफा जी इतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है, तो क्या है जी, अभी आपको उसको जरूर देखना है, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की। गाइस बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूछा नहीं जाता है, पूछा क्या जाता है एक बार देखेंगे जरूर, जो मैं बताऊंगी आपको सिर्फ वही याद करना है, ठीक है जी। प्रिक्स ले फ्रांस ले डेलाजिन प्योर, बहुत जहरीला सा नाम है, पेरिस का सम्मान इनको मिल चुका है मुख्य रूप से, अगर भाई हम यहाँ पर ये भी लिख देते ना पेरिस का सम्मान, ठीक है, तो वो भी हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता, ठीक है, लेकिन जो भी है भाई सम्मान जो इनका पूरा अवार्ड है उसका नाम देना तो बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। तो क्या है, पेरिस का 1966 का इनको सम्मान मिल चुका है, उसके बाद हवाना, क्यूबा, इंटरनेशनल प्रिंट बिनले, भोपाल, ये सब इनको काफी सम्मान मिल चुके हैं। हम लोग बात करेंगे जो जिससे हमें नौकरी मिलेगी भैया, जो हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2001 में मध्य प्रदेश सरकार का जो कालिदास सम्मान है उनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार का जो बंगा विभूषण पुरस्कार है 2012 का वो इनको मिल चुका है। ये दोनों क्या करने हैं, आपने घोल के पी जाने हैं और बाकी एक एक बार देख लेने हैं जी, उनसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर पूछा गया तो कम से कम आंखों के आगे से गया हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है अगर तुक्का भी मारना है तो थोड़ा बहुत जो लगा लगे कि ये ना कहीं पड़ा था, है ना, ऐसा ना हो कि एकदम ही गायब है पता ही नहीं क्या है, ठीक है, कौआ है, भैंस है, बकरी है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए क्या है, कि सम्मान की बात की जा रही है कोई बुक है, ठीक है, तो ये जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ देखिए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से 2010 में इनको मानद जो उपाधि होती है वहां की डिलेट, उस उपाधि से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश के द्वारा इनको जनरल सम्मान 2016 का मिल चुका है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही आपको याद रखने हैं, 2001 का और 2000 सॉरी 2001 का जो इनको सम्मान मिला था कालिदास सम्मान, और उसके बाद बंगा विभूषण जो इनको 2012 में मिला है, मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है। इसके साथ जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कसौली आर्टिस्ट कैंप से, यानी कि काफी सारी जो आर्टिस्ट अगर हम बात करेंगे जो कला की वर्कशॉप लगती है ना आर्ट वर्कशॉप, उसमें भी ये जो है बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, इनको पूछा गया था
विवान सुंदरम के साथ जो कसौली आर्टिस्ट कैंप था, हमें पता है विवान सुंदरम इससे रिलेटेड है, ठीक है जी, तो उनके साथ जो है जो वहां पर कला शिविर लगे थे वो कौन कौन से कलाकार थे, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर देखना है कि कौन है जोगेन चौधरी है, इसके साथ चाहे ग्राफिक वर्कशॉप हो, नई दिल्ली में भारतीय जर्मन कलाकारों की वर्कशॉप हो, ये सारी की सारी 1982 में उन्होंने सारी ही ज्वाइन की है। मुख्य रूप से आपको कसौली वाली याद रखनी है क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी। उसके बाद ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको घोल के पी जाना है। 1981 में इन्होंने अपनी एक मैगजीन जो है वो निकाली थी, जिसका नाम है आर्ट टूडे। आपको पता है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता है ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, मैक्सिमम लोग प्रीवियस ईयर्स लगा के बैठे होंगे। तो क्या है आर्ट टुडे, किसकी मैगजीन है ये जोगेन चौधरी की है, उन्होंने इसको पब्लिश किया था और उसके सह संपादक भी यही है। क्या है उसके सह संपादक भी यही है, ठीक है शकुंतला, कोई बात नहीं, बस आई थिंक 5 मिनट का और सेशन है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी, जोगेन चौधरी के प्रमुख चित्र जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी आर्टिस्ट के, तो देखिए कौन कौन से हैं, थोड़ा सा चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें है युवा मनुष्य है, नीली साड़ी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जोगेन चौधरी से रिलेटेड, नीली साड़ी किसकी पेंटिंग है, जोगेन चौधरी की है। एक सपने की याद ये भी पूछा गया है, और एक सपने की जो याद है ये जोगेन चौधरी का सपना है, जिसमें क्या है, जिसमें एक ये सनफ्लावर को देख रहे हैं और एक बड़ी सी फिश को देख रहे हैं, ठीक है। इसको आपको याद कैसे करना है, एक सपने की याद, जोगेन चौधरी एक सपना देख रहे हैं जिसमें जो सनफ्लावर होता है उसके ऑयल में वो एक बड़ी सी फिश को फ्राई कर रहे हैं, ये सपना जो है इसको आप याद रखिएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक सपने की याद जो है जिसकी पेंटिंग है जोगेन चौधरी की है। और यहाँ पर ये सनफ्लावर और फिश का क्या फैक्ट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है नरक के प्रतिनिधि, जी ये भी पूछा जा चुका है। माँ दुर्गा, देखिए माँ दुर्गा बहुत सारे आर्टिस्टों ने बनाई है, इन्होंने भी बनाई है, इनकी पेंटिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद बाघ है, चांदनी शाम में चीता, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन महिलाएं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृता शेरगिल का भी है, इनका भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है आपने करना क्या है, जो आपको ऑप्शंस दी होंगी उन पर विशेष ध्यान देना है। जोड़ी, जोड़ी में जो है इन्होंने कपल्स को दिखाया है मुख्य रूप से, ठीक है, बहुत सारे कपल्स को इन्होंने दिखाया है, एक नहीं है कई इन्होंने इस पर पेंटिंग्स बनाई है। और इसमें अगर हम बात करेंगे जैसी हमने इनकी पेंटिंग देखी थी तीन लड़कियां, ठीक है, वैसे ही उसी शैली में इन्होंने ये जोड़ी भी बनाई है, अजीब सी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंखें हैं और उसी तरीके से इनको भी दिखाया गया है। इसके साथ फेस, देखिए जब हम फेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फेस इनकी एक मूर्ति है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, फेस मूर्ति है मुख्य रूप से, नहीं मूर्ति नहीं है ये, फेस मूर्ति नहीं है, फेस क्या है इनकी पेंटिंग है, हेड फॉर्म बैक है, ठीक है, हेड फॉर्म बैक ये इनकी क्या है एक मूर्ति है, ठीक है जी। उसके साथ शी है, शी इनका एक लिथोग्राफिक प्रिंट है, ये भी पूछा जा चुका है। स्टिल लाइफ विद फिश, ये एक और फिश है स्टिल लाइफ के साथ है, ठीक है। उसके बाद शिशु है, चंद्रमा है और गणेश, गणेश की इन्होंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने जो नंबर्स में यहाँ पर स्टार लगे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इनको करना क्या है, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, चलिए यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब एक एक करके पेंटिंग्स देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीली साड़ी मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ और आप याद रखेंगे, जोगेन चौधरी वो पेंटर हैं जिन्होंने महिलाओं की जो स्थिति है समाज में, ठीक है जी, इसी पेंटिंग से आप याद रखेंगे। एक और पेंटिंग मैं आपको इनकी दिखाऊंगी, महिलाओं की जो स्थिति है समाज में वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि चाहे महिलाओं को हम देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन समाज इनको किस नजरों से देखता है या कैसा इनके साथ व्यवहार करता है, जिनको हमने क्या कहा है व्यंग्य चित्र, वो इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, वो इन्होंने दिखाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीली साड़ी में एक औरत है, यहाँ पर एक क्या है मैन फिगर भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या है एक बाघ है जो क्या है अटैक कर रहा है किस पर, इस ये जो मैन है सामने, यानी कि समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है ये बाघ, वो दिखाने की कोशिश की गई है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी महिला के सम्मान के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो दिखाने की कोशिश की है मुख्य रूप से
नीली साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिनके बड़े बड़े ग्रेट मैसेजेस हैं, वो इन्होंने जो है अपने पेंटिंग्स के माध्यम से देने की कोशिश की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सपने की याद, जो हमने बात की थी कि भाई जोगेंद्र चौधरी को एक सपना आया, ठीक है, और वो सपना क्या है, आप आंखें बंद करते हैं आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपना है वो आपको कौन से रंग में दिखाई दे रहा है जी, ये इस ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो ये ब्लैक कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सपना है, और जिसमें सनफ्लावर ऑयल में जोगेन चौधरी एक फिश को फ्राई कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये एक सपने की याद है, ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एक सपने की याद में मुख्य रूप से ये सनफ्लावर इन्होंने क्यों बनाया है या एक फिश क्यों बनाई है। हो सकता है जो मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि बचपन से संबंधित कोई चीज हो, या उन्होंने कुछ भी सोच के बनाया हो, लेकिन हमें जिसको याद करना है तो याद करने का मैंने ट्रिक आपको बता दिया है, जोगेन चौधरी का सपना, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको पेंटिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक और जो हमने बात की थी, स्टिल लाइफ विद फिश, ठीक है, तो उसमें भी हमें इनकी फिश देखने को मिलेगी, और इन्होंने फिशेस के कई सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो बड़े सुंदर सुंदर हैं, ठीक है, यानी अलग अलग ब्रीड्स की दो तीन इनकी जो पेंटिंग्स है वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे बात करेंगे इनकी जो लिथोग्राफिक प्रिंट्स है जो इन्होंने बनाई थी उसमें शी, ठीक है, और शी क्या है, महिला है, शी पुरुष तो नहीं हो सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि क्या है शी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी महिला का सुंदर सा चित्र होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, लिथोग्राफी से इन्होंने इसको बनाया था। माध्यम क्या है इसका, इसको इन्होंने ब्रश विद इंक बनाया है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये इनके कौन से चित्रों में आता है, जो इनका रेखांकन है उस प्रकार के चित्रों में आता है, ठीक है जी। अब प्रदर्शनियां देखिए, बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हैं, ज्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लेंगे। हम बात करेंगे ललित कला एकादमी, ठीक है, मार्ग, मार्ग आपको पता है क्या है, ठीक है, इनकी प्रदर्शनी थी नए समकालीन, ये इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, मार्ग द्वारा आयोजित नए समकालीन, नए समकालीन क्या है, ये टाइटल था एग्जीबिशन का, यानी कि जो एग्जीबिशन को नाम दिया जाता है, ठीक है, वो इसका नाम था, ठीक है जी। इसके बात कर लेंगे, उसके बाद साओ पॉलो की बात करें, भारत के अलग अलग स्थानों पर कला प्रदर्शनियों की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है बहुत जगह पर लगी है, बहुत जगह पर लगी है, भारत में भी और भारत से बाहर भी। आपको मुख्य रूप से याद कौन सी करनी है जी, ठीक है, ये आपके लिए पूरा कंटेंट है यहाँ पर, जिनको आवश्यकता है, जिनको लगता है कि हमें बिल्कुल एक एक चीज बहुत डिटेल से पढ़नी है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाता है तो एक बार आप लोग उसको देख लेंगे तो पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे आपको कौन कौन सी इनकी प्रदर्शनियां याद रखनी है। इन्होंने 1982 में जब मुंबई सॉरी गैलरी 7 मुंबई की ओपनिंग हुई थी, उस समय पर कुछ कलाकारों की पेंटिंग्स वहां पर दिखाई गई थी प्रदर्शनी के रूप में, ठीक है जी। तो वहां पर इनकी भी पेंटिंग्स को दिखाया गया था, कहां पर, किसकी ओपनिंग थी ये, गैलरी 7 मुंबई की ओपनिंग में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं और एक आध बार कभी पूछे भी गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है कि इनकी सबसे पहली कौन सी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, तो देखिए सबसे पहले 1963 में कलकत्ता में इनकी सिंगल यानी सोलो एग्जीबिशन जो है वो आयोजित की गई थी, सबसे पहले कब, 1963 में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये तो हमने भारत की बात की, भारत के बाहर, तो भारत के बाहर कहाँ पर है जी, पेरिस, पेरिस हमें पता है इनका क्या है, कार्य क्षेत्र भी रहा है, मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र नहीं कह सकते, पेरिस से गए थे अपनी शिक्षा के लिए, ठीक है। तो वहां पर 1967 में, ठीक है, यानी भारत में 1963 में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई थी कलकत्ता में, सोलो एग्जीबिशन। उसके बाद हमने बात की 65 में ये पेरिस चले गए, और उसके ठीक यानी कि जिस साल इन्होंने अपनी एजुकेशन वहां पर कंप्लीट की उसी साल इन्होंने पेरिस में भी अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई, यानी इस बीच में जो ये कार्य कर रहे थे वो उनको इन्होंने प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो यहाँ से पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी दो पेंटिंग्स की जी, ठीक है, क्या है मैम, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो चलिए कोई नहीं जी, अब इसको थोड़े में निपटाते हैं। बात करेंगे टाइगर इन द मूनलाइट, जो इनकी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है। देखिए टाइगर इन द मूनलाइट, यानी कि यहाँ पर आपको चांदनी की जो रोशनी है वो क्या है, वो आकृतियों पर दिखाई दे रही है, जो ये पीला पीला सा हल्का रंग है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मूनलाइट है, क्या है, मूनलाइट है। यहाँ पर आप इनका मून भी देख सकते हैं जो थोड़ा सा विपरीत आकृति में है,
बाघ भी देख सकते हैं, एक मानव आकृति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से टाइटल है टाइगर इन द मूनलाइट। अब इसको ही टाइटल क्यों दिया गया है, अब आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए अब इनकी हमने बात की ना हेड फॉर्म, ये इन्होंने ये मूर्ति बनाई है, इन्होंने कुछ और भी मूर्तियां बनाई है, मुख्य रूप से वहां से कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि प्रमुख रूप से इनकी पेंटिंग्स जो है एज चित्रकार के रूप में प्रमुखता से हमें इनको इनके बारे में जानते हैं। इनका जो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने कि इन्होंने जो मूर्तियां बनाई है उनमें से ये फेमस रही है काफी, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके की इन्होंने बनाई है। यानी कि जो शैली हमें इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है वही शैली हमें, वो बड़ी बड़ी सी परली सी आंखें, ठीक है, और ये फेस की जो बनावट है ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी और यहाँ पर भी दिखाई देगी। यानी कि इनके मूर्ति शिल्प में भी यही शैली, इन्होंने इसी शैली का अनुसरण किया है। अब दूसरी तरफ एक और पेंटिंग है जहां पर क्या है, जो हमने बात की थी कि इन्होंने समाज में जो महिलाओं की स्थिति है ना, आप चाहे उनकी देवी के रूप में पूजा करिए, उसके बाद भी जो स्थिति है, ठीक है, उसको जो दिखाया है, उसके जो व्यंग इन्होंने किए हैं उससे रिलेटेड एक और पेंटिंग आपके सामने है, ठीक है, जिसमें इन्होंने महिलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी व्यथा है या जो समाज में उनके साथ होता है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है जी। ओके, ये बदमाश का हेड है। ठीक है, नहीं देखिए, एक टॉपिक हम भाई एक क्लास में कंप्लीट जरूर करेंगे, कल के लिए रखूंगी तो आधा भूल जाएंगे ना, है ना। जी तो बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता है बाकी अब कल के लिए नेक्स्ट टॉपिक, कोशिश में ये करूंगी कि आपका थोड़ा सा रिविजन सेशन लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग जो है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल होती है जी, शाम के 8 बजे वाली क्लास होती है। ओके, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया निधि भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो निधि ने आपको ट्रिक बताई है। वैसे आप ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है। नहीं, इट्स ओके भाई, किसी का मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। देखिए मजा आता है क्लास में, हर तरीके के स्टूडेंट होने चाहिए, सब पढ़ाकू ही हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, 4 नहीं बचेगा क्लास का वो, ठीक है। जी तो क्या है, थोड़ा सा मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है, मनोरंजन नहीं होगा तो बाउंसर्स पड़ते जाएंगे एक समय के बाद, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के बाद आपका जो दिमाग है वो कहता है बस करो अब, ठीक है, तो बीच बीच में इस तरीके का कार्य भी होना चाहिए। हाँ, जिसको ज्यादा डिस्टर्बेंस लगते हैं, सबके पढ़ने का अपना अपना तरीका है, आप सबके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि जिसको भी लगता है ना कि भाई मैं मुझे ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, उसको वही ब्लॉक कर दीजिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे उसको ब्लॉक करिए, ठीक है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको शायद हो सकता है कल पीडीएफ उसी रीजन से नहीं मिले हों, क्योंकि जब मैंने आपकी पेंटिंग्स के बारे में पूछा तो मुझे यही बताया गया कि मैम टेक्निकली कुछ कार्य चल रहा है ऑफिस में, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी बड़ा काम हो, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि इन सब ये जब टेक्निकल जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप तक जो मटेरियल है वो थोड़ा देर से पहुंचता है मुझ तक भी, ठीक है, तो नंबर मैं आपको फिर दे रही हूँ, नंबर यहाँ पर आपके सामने है, यहीं पर आप अपनी पेंटिंग्स भेज सकते हैं, ठीक है, देर सवेर कल तक हो सकता है मुझ तक ये पेंटिंग्स पहुंच जाएंगी, और उसके बाद हम लोग शाम की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, शाम की क्लास कंटिन्यू करेंगे, शाम को टॉप 40 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजन इज दिस कि भाई टॉप 40 क्यों, टॉप 25 क्यों नहीं, क्योंकि केवीएस वाले बच्चों का एग्जाम है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए, ठीक है, और इसके साथ कल या परसों तक हम प्लान करेंगे आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसकी मैराथन की, और मैराथन आपको कब लेनी है आप मुझे शाम को अच्छे से बताइएगा कि सुबह की लेंगे या मैक्सिमम शाम को, सब लोग फ्री रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि शाम को हम मैराथन क्लास लेंगे, अभी से बता दे रही हूँ, सब लोग दाना पानी लेके बैठिएगा, चोगा चुगा जो भी रखना हो, ठीक है, साथ में, ठीक है, तो करेंगे क्या कल या परसों में प्लान कर रही हूँ, क्योंकि केवी के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम से पहले पहले एक हमने करंट अफेयर्स की क्लास देनी जरूर है, ठीक है जी। तो जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है और शेयर क्लास के स्टार्टिंग में ही करना है, ठीक है जी। और जिस किसी ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहीं से आगे इन द फ्यूचर भी, और देखिए अभी बाकी जो मटेरियल मिल रहा है उसको भी, खासकर जो केवी वाले स्टूडेंट हैं जी, यहाँ पर आपको 300 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपने क्या करना है, दवाई की तरह रोज उसको डाउनलोड करते रहिए, ठीक है, बहुत काम की चीज है उसमें, ठीक है जी। चलिए ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे तब, सॉरी शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।